15 राज्य, 150 से ज्यादा आतंकवादी गिरफ्तार, बड़े संख्या में बम बारूद बंदूकें बरामद, करोड़ों रुपए किए गए जब्त, कुवैत, सऊदी, ओमान, कतार, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कनाडा, चीन जैसे देशों के द्वारा किया जा रहा है आर्थिक मदद, उद्देश्य केवल एक, गजवाए हिंद। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। हमने पहले के कई सारे अध्याय के माध्यम से भारत में तेजी से फैल रहे इस्लामिक आतंकवाद के बारे में चर्चा किया था। भारत को किस तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, पूरी प्लानिंग को डिकोड किया था। सनातन की इस पावन भूमि का एक संतान होने के कारण आज मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि देरी से भले हो परंतु में इन आतंकवादियों के खिलाफ कोई ठोस एक्शन देखने को मिला। परंतु क्या इतना काफ़ी है? उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। गुरु अच्युतानंद जी ने 600 सालों पहले अपने ग्रंथ भविष्य मालिका के माध्यम से जिन संकेतों के बारे में कहा था, आज वो एक एक करके सच होते जा रहा है। भारत को एवं सनातन को बर्बाद करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इस साजिश में खुद देश के अंदर बैठे कुछ देशद्रोही भी शामिल है। आप सब ने देखा होगा जब आतंकवादी संगठन PFI पर प्रतिबंध लगाया गया, तब कौन सी राजनीतिक पार्टी PFI का समर्थन करने उतर गई। बात कुछ ऐसी हो गई है कि मैंने पूछा मंदिर में केला किसने खाया, तब एक बंदर भागे भागे आता है और बोलता है, साहब मैंने तो नहीं खाया। चोर खुद अपने चोरी का प्रमाण दे रहे हैं, आवश्यकता है तो केवल उनको पहचानने की। भारत की राजनीति कुछ ऐसी हो चुकी है कि देश की चिंता कम, खुद की संपत्ति बढ़ाने की चिंता ज़्यादा हो रही है। आज हर एक नागरिक को यह समझना पड़ेगा कि देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे। अगर ये देश ही ना रहा तो भला हम कैसे और कहाँ रहेंगे? पूरे पृथ्वी पर केवल एकमात्र देश है भारत जो सनातन का है। अगर भारत के सनातनी ही भेदभाव जातिवाद में फंस गए तो अंत निश्चित है। यह लड़ाई हमारे अस्तित्व की है, हमारे मूल्यों की है, हमारे धर्म हमारे राष्ट्र की है। कृपया इसे अनदेखा ना करें, नहीं तो परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी कि भागने तक को मौका नहीं मिलेगा। न धन की आवश्यकता है, न गोले बारूद की आवश्यकता है, तो केवल एकता की। ऐसा मेरा नहीं 600 सालों पुराने पंच सखाओं का संदेश है आज के सनातनियों के लिए। देश के अंदर लाखों की संख्या में आतंकवादी देशद्रोही छुप कर रहे हैं। केवल 150 को पकड़कर जेल में डाल देने से कोई लाभ नहीं होने वाला। देश का कानून कुछ ऐसा है कि कुछ ही दिनों में उन 150 में से भी कई लोग बेल पे निकल जाएंगे। अगर बदलाव लाना ही है तो खुद के अंदर लाना पड़ेगा। अगर परिवर्तन को लाना ही है तो हमारे समाज को परिवर्तित होना पड़ेगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं। जय जगन्नाथ, जय पंच सखा, जय हिंद।